दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्यूटी एंड द बीस्ट की असली कहानी। एक अमीर व्यापारी था, जिसकी बीवी मर चुकी थी। उस व्यापारी को 6 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां और 3 लड़के थे। उस व्यापारी के सभी बच्चे दिखने में अच्छे थे, पर उसकी सबसे छोटी लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी, और उस लड़की का नाम था ब्यूटी। ब्यूटी दिखने में तो अच्छी थी ही, पर वो स्वभाव में बहुत ही दयालु थी। पढ़ाई लिखाई में भी वो होशियार थी, पर ब्यूटी के 2 बड़ी बहनों का स्वभाव ब्यूटी के स्वभाव से बहुत विपरीत था। उन 2 बड़ी बहनों का स्वभाव बहुत ही खराब था। वो दोनों बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी थी, और वो दोनों हमेशा ब्यूटी को ताने मारती थी और उससे नौकरों की तरह पेश आती थी। एक दिन उस व्यापारी का जहाज तूफान में फंस गया। उस व्यापारी का अब बहुत बड़ा नुकसान होने के कारण वो अमीर नहीं रहा था। मजबूरन उस व्यापारी और उसके परिवार को अब एक छोटे से घर में रहना पड़ रहा था। वहाँ वो लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। कुछ साल बीतने के बाद एक दिन उस व्यापारी ने सुना कि उसका जहाज उसके शहर के बंदरगाह लौट आया है। वो व्यापारी अब शहर जाके देखना चाह रहा था कि उसके जहाज अब भी कोई कीमती सामान बाकी है या नहीं। पर जाने से पहले उस व्यापारी ने अपने सभी बच्चों से पूछा कि उन्हें तोहफे में क्या चाहिए। उस व्यापारी के लड़कों ने हथियार और घोड़ों की मांग की, और दोनों लड़कियों ने गहने और अच्छे कपड़ों की मांग की। पर जब उस व्यापारी ने ब्यूटी से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो ब्यूटी ने कहा कि उसे सिर्फ एक गुलाब का फूल चाहिए, क्योंकि वो जहाँ रहती थी उस जगह गुलाब का कोई पौधा नहीं था। राजी होने के बाद वो व्यापारी शहर चला गया। शहर जाने पे उस व्यापारी को पता चला कि उसके जहाज का सारा सामान उस पे बड़े कर्जे के कारण जब्त हो चुका है। अब उस व्यापारी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी, जिससे वो अपने बच्चों को कोई तोहफा दे सके। अब हताश होकर घर पे लौटते समय वो व्यापारी जंगल में आए हुए एक तूफान में खो गया। उस जोरदार तूफान से बचने के लिए वो व्यापारी कोई आश्रय स्थल ढूंढने लगा। तभी उस व्यापारी को एक चमकता हुआ पैलेस नजर आया, और जब वो व्यापारी उस आलीशान पैलेस के पास पहुंचा, उस पैलेस के दरवाजे अपने आप खुल गए। जैसे ही वो व्यापारी उस पैलेस के अंदर पहुंचा, वहां एक टेबल पे खाने का सामान रखा हुआ था, और उसे ये दावत उस पैलेस के मालिक ने दी थी। और इस दावत का स्वीकार करते हुए उस व्यापारी ने वो रात वहीं गुजारने का फैसला किया। सुबह होने पे जब वो व्यापारी वहां से निकल रहा था, उसने सामने के बगीचे में गुलाब के सुंदर फूल देखे। उन सुंदर फूलों को देखने के बाद उस व्यापारी को याद आया कि उसकी लड़की ब्यूटी ने उसे गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। उन फूलों में से उसने एक सुंदर फूल ढूंढ लिया, और जैसे ही वो उसे तोड़ने के लिए गया, तभी उस पे एक विशालकाय जानवर ने हमला कर दिया। और ये विशालकाय जानवर कोई और नहीं बल्कि उस पैलेस का मालिक बीस्ट था। बीस्ट ने उस व्यापारी से कहा कि तुम्हारी इतनी खातिरदारी करने के बाद भी तुमने मेरे बगीचे से मेरा मनपसंद फूल, वो भी मुझसे बिना पूछे, तोड़ने की हिम्मत कैसे की, और इस गुस्ताखी की सज़ा तुम्हें मौत में मिलेगी। और यह सुनकर वो व्यापारी बुरी तरह घबरा गया। माफ़ी मांगते हुए उस व्यापारी ने कहा कि वो तो सिर्फ अपनी लड़की को तोहफा देने के लिए वो गुलाब का फूल ले रहा था। इस बात पर बीस्ट ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये फूल तोड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम्हें अपनी उस लड़की को मेरे पास भेजना होगा। ये बात सुनकर वो व्यापारी नाराज तो हुआ, पर उसने ये सौदा मंजूर कर लिया। फिर बीस्ट ने उस व्यापारी के बच्चों के लिए सभी तोहफों का इंतजाम किया। इन तोहफों के साथ जब वो व्यापारी अपने घर पहुंचा, तो उसने ये कहानी अपने बच्चों को सुनाई। अपने पिताजी की बताई हुई कहानी सुनने के बाद ब्यूटी खुद से वहां जाने के लिए तैयार हो गई। और जब ब्यूटी वहां पहुंची, तो बीस्ट ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पर बीस्ट को पहली नज़र में ही ब्यूटी से प्यार हो गया था। अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करने के बाद बीस्ट ने ब्यूटी से कहा कि आज से तुम इस पैलेस की रानी कहलाओगी। उसने ब्यूटी को पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े और गहने दिए।
और उसने ब्यूटी के साथ फिर बहुत देर तक बातें की। हर रात बीस्ट ब्यूटी को उससे शादी करने के लिए पूछता था, पर ब्यूटी उसके इस सवाल का जवाब हमेशा ना में देती। और हर रात ब्यूटी को नींद में एक सुंदर राजकुमार का सपना आता था। ब्यूटी को इस सपने में आने वाले राजकुमार से प्यार हो गया था और उसे लग रहा था कि बीस्ट ने जरूर अपने पैलेस में कहीं इस राजकुमार को कैदी बना के रखा है, इसीलिए वो हर रोज उसके सपने में आके उसे छुड़ाने के लिए मदद मांग रहा है। उसने पूरे पैलेस में उस राजकुमार को ढूंढने की कोशिश की। ब्यूटी को उस आलीशान पैलेस में कई गुप्त और खाली कमरे मिले, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उसे वो राजकुमार मिल नहीं पाया। ब्यूटी उस पैलेस में कई महीनों से आरामदायी जीवन जी रही थी। हमेशा उसे पहनने के लिए बहुत महंगे कपड़े और गहने मिलते थे, खाने के लिए उसे अच्छा खाना मिलता था और नौकरों से उसकी बहुत खातिरदारी होती थी। इन सब सेवाओं के बावजूद वहाँ कई दिनों तक रहने के बाद ब्यूटी को अपने घर की याद आने लगी। वो घर जाके अपने परिवार से मिलना चाह रही थी। जब उसने घर जाने की इच्छा बीस्ट के पास व्यक्त की तो बीस्ट ने कहा, ठीक है, तुम अपने परिवार से मिलने के लिए जा सकती हो, पर तुम एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकोगी। इस बात पर ब्यूटी खुशी खुशी राजी हो गई। फिर बीस्ट ने उसे एक जादुई आईना और एक जादुई अंगूठी दी। उस आईने में ब्यूटी उस पैलेस में क्या चल रहा है कभी भी देख सकती थी, और उस जादुई अंगूठी को उंगली में उल्टा घुमाने पर ब्यूटी तुरंत पैलेस में वापस पहुंच सकती थी। और जब ब्यूटी अपने परिवार से मिलने अपने घर पहुंची, तो उसे देख के उसके भाई और पिता बहुत ही खुश हुए, पर ब्यूटी की दोनों बहनों को उसे अच्छे कपड़े और गहनों में देख के बहुत ही ईर्ष्या हुई। उन दोनों बहनों ने ब्यूटी से झूठा प्यार जताते हुए उसके कपड़े और गहने हथियाने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने उन कपड़ों और गहनों को छुआ वो बेकार हो गए। और देखते देखते एक हफ्ता बीत गया, पर आखिरी दिन में ब्यूटी की दोनों बहनें जिद करने लगी कि ब्यूटी कुछ दिन और वहाँ रुक जाए, और उसे मनाने के लिए वो दोनों झूठ मूठ का रोने लग गए। सबके कहने पे ब्यूटी कुछ दिन और रुकने के लिए राजी हो गई, पर ये उन दो दुष्ट बहनों की साजिश थी। उनको लग रहा था कि अगर ब्यूटी को पैलेस पे वापस जाने के लिए देरी हो गई तो बीस गुस्से में पागल हो जाएगा और जब ब्यूटी वहाँ पहुँचेगी उसको खा जाएगा। ब्यूटी ने बीस से किया हुआ वादा तोड़ दिया था, इसलिए कुछ दिन बाद उसको बहुत ही बुरा लगने लगा। उसको बीस्ट की याद भी आ रही थी। वो सोच रही थी कि हमेशा बीस्ट ने उसे खुश रखने की कोशिश की और उसने बीस्ट को धोखा दिया। तभी उसको बीस्ट ने दिए हुए आईने की याद आई, तो उसने उस जादुई आईने की मदद से बीस्ट को देखने की कोशिश की। तो उसने देखा कि गुलाब के बगीचे के पास बीस्ट अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। ब्यूटी ने फौरन ही अपनी उंगली में मौजूद जादुई अंगूठी को उल्टा घुमाया और वो तुरंत बीस्ट के पास पहुंच गई। बीस्ट की हालत बहुत खराब थी, उसका दिल अब टूट चुका था। फिर ब्यूटी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और जोर जोर से रोने लग गई। रोते रोते वो कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब ब्यूटी के आंसू बीस्ट के चेहरे पे गिरे तो वो तुरंत एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया, और ये वही राजकुमार था जो रात को ब्यूटी के सपनों में आता था। फिर उस राजकुमार ने ब्यूटी को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक परी ने उसे इस बीस्ट नाम के जानवर में परिवर्तित कर दिया था। दरअसल एक परी ने उस राजकुमार को ये श्राप दिया था जब उसने उस परी को एक तूफान के वक्त आश्रय देने से मना कर दिया था। उस परी ने श्राप देते हुए कहा था, जब तुम्हें कोई ये जानवर का बदसूरत शरीर होने के बावजूद सच्चा प्यार करेगा तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। फिर ब्यूटी ने उस राजकुमार से शादी कर ली और वो अपना जीवन हंसी खुशी में बिताने लग गई। तो दोस्तों, ये थी ब्यूटी एंड द बीस्ट की असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।